अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जमात अव्वल की किताब काशिफ उर्दू का सफ़ा 99 और 100 मुकम्मल करेंगे। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आप किताब काशिफ उर्दू का सफ़ा 99 देखिए। सबसे पहले आप सफ़े पर तारीख लिखेंगे, होमवर्क की हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद आप अपना काम शुरू करेंगे। जुमले पढ़िए और लिखिए। जुमले पढ़िए और लिखिए। यहाँ आपको जुमले दिए गए हैं, आप इन जुमलों को पढ़ेंगे और सामने दी गई लाइन पर खुशखत यानी सफाई से लिखेंगे। तो आइए जुमले पढ़ते हैं। नंबर एक, सामान भारी है। सामान भारी है। अब आप इस जुमले को सामने दी गई लाइन पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सामान भारी है। सामान भारी है। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा, सामान भारी है। नंबर दो, भाभी के पास जाना। भाभी के पास जाना। आइए अब इस जुमले को लिखते हैं। भाभी के पास जाना। भाभी के पास जाना। नंबर तीन, दवा ला दो, आटा भी ला दो। दवा ला दो, आटा भी ला दो। अब ये सामने लिखेंगे हम, दवा ला दो, आटा भी ला दो। दवा ला दो, आटा भी ला दो। नंबर चार, हलवा भून लो। 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 नंबर पांच, आम का रस भर दो। आम का रस भर दो। आइए जुमला लिखते हैं। आम का रस भर दो। आम का रस भर दो। जुमले दोबारा पढ़ेंगे। सामान भारी है। नंबर दो, भाभी के पास जाना। नंबर तीन, दवा ला दो, आटा भी ला दो। नंबर चार, हलवा भून लो। नंबर पाँच, आम का रस भर दो। आम का रस भर दो। प्यारे बच्चों, आप ये जुमले पढ़ेंगे, लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। अल्फाज बनाइए, अल्फाज बनाइए। यहाँ आपको भे दिया गया है, आपने भे से शुरू होने वाले अल्फाज बनाने हैं। तो भे से कौन से अल्फाज शुरू होते हैं? भाई, भाई।
दूसरा है भे से शुरू होने वाला अल्फाज भाभी भाभी। अब तीसरा है भूरा भूरा भूरा। चौथा अल्फाज होगा भून भून भून। फिर है भाप भाप भाप। फिर है भारी भारी भारी। अल्फाज बनाइए भाई भाभी भूरा भून भाप भारी। प्यारे बच्चों आप इसी तरह ये अल्फाज लिखेंगे और याद भी करेंगे। नीचे दी गई मश देखिए, उबारों में भूरा रंग भरिए उबारों में भूरा रंग भरिए। यहाँ आपको गुब्बारे दिए गए हैं दो, आपने इसके अंदर भूरा रंग भरना है, भूरा यानी ब्राउन कलर भरना है आपने। और यहाँ भूरा अल्फाज लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर लफ्ज भूरा लिखना है। भूरा भूरा। भूरा सही, ये देखें भूरा, आपने भूरा लिखना है और सामने दिए गए गुब्बारों पर भूरा रंग करना है। इस तरह आपका ये सफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। काम मुकम्मल करने के बाद आपने ये अल्फाज और ये जुमले ये याद भी करने हैं। प्यारे बच्चों अब हम किताब काशिफ उर्दू का सफ़ा 100 मुकम्मल करेंगे। आप भी काशिफ उर्दू का सफ़ा 100 निकालिए। सबसे पहले आप सफ़े पर तारीख लिखेंगे, उसके बाद होमवर्क की हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तारीख डेट लिखेंगे और होमवर्क की हेडिंग लिखेंगे। अल्फाज बनाइए अल्फाज बनाइए। यहाँ आपने अल्फाज बनाने हैं, आपको दिया गया है फा फा फा। आपने फा से शुरू होने वाले दो अल्फाज बनाने हैं और यहाँ पर इस लाइन पर लिखने हैं फा फा। से अल्फाज बनाएंगे फाड़। सफ़ा फाड़ दो या सफ़ा फाड़ना बुरी बात है, फाड़ फाड़। दूसरा अल्फाज बनाएंगे फाड़ो फाड़ो फाड़ फाड़ो फाड़ फाड़ो। अब है आपके पास फू फू फू। से क्या बनाएंगे हम? फूल फूल फूल। इसके बाद है फूफी फूल फूफी फूल फूफी। इसके बाद तीसरा अल्फाज है फूफा फूफा। फूल फूफी फूफा फूल फूफी फूफा। प्यारे बच्चों आप इसी तरह फा और फू के अल्फाज यहाँ पर बनाएंगे। प्यारे बच्चों अब है भा। हम किससे अल्फाज बनाएंगे? भा से। पहले हमने फा फू से बनाए, अब हम भा से अल्फाज बनाएंगे। भा से क्या आएगा? भाई भाई भाई। फिर है भा से भाप
भाप, भाप, भासे, भागो, भागो, भाई, भाप, भागो, भाई, भाप, भागो, भाई, भाप, भागो। प्यारे बच्चों, अब हम भू, भू से अल्फाज बनाएंगे। भूल, भूल, भून, भूल, भून, भून। फिर है भूरा, भूल, भून, भूरा, भूल, भून, भूरा। प्यारे बच्चों, हमने फा, फू, भा, भू के अल्फाज बनाए। यहाँ आपको अल्फाज मैंने लिखकर दिखा दिए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन अल्फाज के अलावा भी अल्फाज लिख सकते हैं, ताकि आपको मज़ीद अल्फाज बनाने आएं। आप इसी तरह अल्फाज लिखेंगे और इन अल्फाजों को याद भी करेंगे। हुरूफ मिलाइए, हुरूफ मिलाइए। यहाँ आपने हुरूफ को जोड़ना है, हुरूफ को मिलाना है और एक नया अल्फाज बनाकर इस लाइन पर लिखना है। भू, भ, वाव, रे, अलिफ। क्या बनेगा ये? भूरा। हमने अभी भूरा लिखा भी था। भूरा, भूरा। भ, अलिफ, गाव, वाव। क्या बनेगा? भागो, 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 भूरा, भागो। फिर है अल्फाज फ, वाव, लाम। क्या बनेगा? फूल, फूल, फूल। फ, रे। क्या बनेगा? फिर, फिर, फूल, फिर। अब है भ, अलिफ, गाव। क्या बनेगा? भाग। क्या बनेगा? भाग, भाग। भ, अलिफ, पे। क्या बनेगा? भाप, 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 भाग, भाग। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह ये हुरूफ मिलाए करेंगे। भूरा, भागो, फूल, फिर, भाग, भाग। अब इसके नीचे देखिए, मश। तीन फलों के नाम लिखने हैं और रंग भी भरने हैं। यहाँ आपको तीन फलों की तस्वीर दी गई है, आपने इन फलों के नाम लिखने हैं और रंग भी भरने हैं। तो पहला फल देखिए कौन सा है। जी हाँ, आम। पहला फल कौन सा है? आम। आपने यहाँ पर आम लिखना है। आम, आम, आम में हम कौन सा रंग भरेंगे? जी हाँ, पीला रंग भरेंगे और इसके पत्तों में हम हरा रंग भरेंगे। आम। आम के बाद ये कौन सा मज़ेदार फल है? जी हाँ, ये है अनार। अनार, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अनार लिखेंगे। अनार, अनार में हम कौन सा रंग करेंगे? लाल रंग करेंगे। अनार में हम लाल रंग भरेंगे। उसके बाद है, ये कौन सा फल है? केला। कौन सा फल है? केला। केले में हम कौन सा रंग भरेंगे? पीला रंग भरेंगे और यहाँ पर लिखेंगे केला, केला। आम, अनार, केला। आम, अनार और केला। अब इसी सफ़े पर नीचे मश दी गई है, रिश्तों के नाम। रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम दिए गए हैं। आपने इसी तरह इन रिश्तों के नाम को सामने दी गई लाइन पर लिखना है।
पहला रिश्ता कौन सा है? दादा का रिश्ता, दादा दादा। फिर है चाचा, चाचा दादा चाचा। फिर है नाना, नाना नाना। फिर है फूफा, फूफा। फिर है भाई, भाई। फिर है ताया, ताया। फिर है खालू, खालू। फिर है मामू, मामू। दादा चाचा नाना फूफा भाई ताया खालू मामू। प्यारे बच्चों, आप इसी तरह काशिफ उर्दू का सफ़ा 100 मुकम्मल करेंगे और ये तमाम काम सफाई से करेंगे, तारीख लिखेंगे, होमवर्क की हेडिंग लिखेंगे और ये तमाम काम मुकम्मल करने के बाद आप इसको याद भी करेंगे। और अगर आपका काशिफ उर्दू किताब का काम नामुकम्मल है तो आप वो तमाम काम मुकम्मल करेंगे और याद भी करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।